तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली क्लास जो कि है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो हमारे साथ ईशान जी है टोरंटो से, टोरंटो से हैं सर आप? जी जी और एक कोर्स आप लोग कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं जिसमें एडवांस एक्सेल भी होगा, वीवीएम माइक्रो भी होगा, एक्सेस भी होगा, डैशबोर्ड भी होगा और सिक्वल भी होगा। ये सारा कोर्स आप कर रहे हैं 100 आवर प्रोग्राम। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारी जो ट्रेनिंग है उसके बारे में। तो इसी तरीके से हर एक ऑप्शन में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप उसी समय क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी बनेगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लेंगे और फिर प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे उसी समय कॉल कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम आपको बताएंगे सबसे जरूरी चीज जो कि एक्सेल में हमें चाहिए होती है, मतलब कि कुछ भी करने के लिए हमें उसकी जरूरत होती है, वो है सिलेक्शन। राइट सर, डेटा सिलेक्शन। कि डेटा को हम पहले जब तक डायनेमिक सिलेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो बिना सिलेक्शन के नाम के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, चार्ट, एनीथिंग हम नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको सिलेक्ट ना कर ले। तो आज हमारी पहली क्लास में हम यही चीज आपको साथ क्लियर कर रहे हैं। तो सिलेक्शन, आपका जो डेटा आपको दिख रहा है कि डिश डेटा को सिलेक्ट करना है आपको, तो आपने डेटा देखा कि डेटा ना सही है, कहीं ब्लैंक सिलेक्ट नहीं है, तो आप इसको दो तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड यूज करते हैं तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। आप कोई पूछ सकता है कि कंट्रोल ए आखिर आया है कहां से, या वीवीएम वगैरह में जरूरत पड़ती है तो होम मेनू में आपको फाइनल सिलेक्ट होता है, इसी में गो टू स्पेशल में आपके पास होता है करेंट रीजन, ये पूरा एरिया आपको सिलेक्ट करके दे देगा, या कंट्रोल ए। तो एक बार आपने कंट्रोल ए किया तो आपका यूज डेटा देता है, मान लीजिए कि आपकी यूज में यहाँ भी कुछ है, उसको भी सिलेक्ट कर लेगा कंट्रोल ए। इसमें बाद में आते हैं, तो आप कंट्रोल ए करते हैं तो आपका यूज डेटा करेंट रीजन सिलेक्ट होता है वन टाइम। अगर आपने सेकेंड टाइम कंट्रोल ए किया तो पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए, और अगर आपको सिलेक्ट करना है ओनली फॉर यूज डेटा तो आप कंट्रोल एक बार करेंगे, दो बार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि अभी आपने आपको बताया कि मेरे पास यहाँ पे कुछ फालतू के डेटा थे जिस कारण से मतलब मैं कंट्रोल ए करता हूं तो वो डेटा भी सिलेक्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे ये फालतू का मुझे इतना ही डेटा देना है, तो उसके दो तरीके हैं। अगर माउस से करना चाहो तो आप माउस से एक क्लिक होल्ड करते हुए कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। आप पहले पे क्लिक करें और शिफ्ट को प्रेस करें और लास्ट वाले पे क्लिक करें, पहले पे क्लिक करें शीट को और शिफ्ट कैप टैब को, शिफ्ट की जो आपका है उसको आप प्रेस करें और फिर आप लास्ट वाले पे क्लिक करें, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा पहले चीज। दूसरी, अब दूसरी तरीका सीखने से पहले कर्सर मूवमेंट जान लीजिए कि कर्सर आप ऐसे डाउन एरो से या अप एरो से या लेफ्ट एरो से मूव कर सकते हो, लेकिन वन बाय वन होगा। मुझे सबसे लास्ट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट में चला जाऊंगा। सीरीज को इस सीरीज को फॉलो करता है, ये आपका फिल सीरीज है, नीचे आपका ब्लैंक सीरीज है। तो मैं यहां पे कर्सर रख के अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया तो सबसे नीचे चला जाए, अप करूंगा सबसे ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में कुछ टाइप नहीं है, तो ब्लैंक का सीरीज है और ये आपका फिल का सीरीज है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी में अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट का भी यूज किया आपने, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, तो आपका डेटा
सिलेक्ट होगा जो आप चाहते हैं। किसान जी समझ में आ रही है नजर? हेलो जी जी सर, म्यूट में रखा हुआ था मैंने अपने आप को। नहीं बढ़िया, रिपीट करने के लिए बोलिएगा। नहीं नहीं, दिस इज क्लियर, दैट्स फाइन। हां तो यहां मैं के साथ साथ नोट्स भी ले रहा हूं, तो इसकी थोड़ा नोट्स करने की जरूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो आप बाद में जल्दी से देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा। अभी आप समझने पे फोकस कीजिए। चलो ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिलेक्शन मल्टीपल सेल्स की। जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ डेटा को सिलेक्ट करना है, सिमुलेज को करना कि 25 को करना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस कर लूंगा। ये जनरली आप करते होंगे, राइट सर? जी। देखिए इसमें भी एक फंडा है जो आप समझ लीजिए कि अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो जैसे मर्जी वैसे सिलेक्ट करें, लेकिन कॉपी करने के लिए कर रहे हैं तो ये आपका कॉपी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल सेल को कॉपी नहीं करता, करता है। जैसे कि देखिए एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने इसको लिया एक से लेकर 6 तक, तो मैं सी को भी 1 से लेकर 6 तक सिलेक्ट करूंगा। और मुझे ई में चाहिए तो ई को भी जो जो कॉलम चाहिए उसका सेम 1 से लेकर 6 तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? अभी अलग अलग है, अब देखिए कॉपी हो जाएगा। जहां पेस्ट करना है वहां पे मैं इसको पेस्ट कर लिया। ये वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो इसको हमने सिलेक्ट किया। वापस यहाँ पे देखिए ए से लेके सी तक ही करना पड़ेगा। अगर मैंने डी तक कर लिया तो कॉपी नहीं होगा, इसलिए हम सी तक जो सबका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। डेटा भले ज्यादा ही सिलेक्ट कर लिया तो इसको कॉपी आसानी से कर सकते। तो बोला क्या कंटिन्यूस होना चाहिए? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। इसे हमने ए से लेकर सी तक लिया, फिर मुझे एफ और डी चाहिए, फिर मुझे आई चाहिए, तो इसी सीक्वेंस में यहां में मेंटेन करना पड़ेगा एफ और जी और यहां पे आई चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। और जब पेस्ट होगा तो इकट्ठा पेस्ट। सही, क्लियर है? ये मल्टी शेल सिलेक्शन की कॉपी की होती है, इसका ध्यान आप रखेंगे। क्लियर है जी? अब एक चीज, जैसे अभी आपको मैंने बोला कि मैंने जस्ट सिलेक्ट किया और कंट्रोल ए कर लिया, ये कंट्रोल ए तभी होगा जब आपका डेटा में कोई ब्लैंक रो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक रो हो गया तो फिर ये आपका ऊपर तक का ही सिलेक्ट करेगा, नीचे की सिलेक्शन नहीं करेगा। सही, लेकिन इसमें अगर बीच में कहीं एक सेल पे भी टाइप है तो एक कर लेगा। ओके। तो डेटा में देखिए अगर कोई ब्लैंक सेल है तो फिर आपको मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, रो बाइज या कॉलम बाइज। अगर मान लीजिए कॉलम भी आपका एक ब्लैंक है और आपने कंट्रोल ए कर दिया तो आपका इतना एरिया सिलेक्ट होगा, ये एरिया सिलेक्ट नहीं होगा। दूसरी जो मैं आपको बोला कि मैं कर्सर मूव करता हूं, तो बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो मेरा कर्सर सबसे लास्ट में यहाँ 31 पे नहीं पहुंचेगा, मेरा कर्सर डी तक ही रह जाएगा क्योंकि ये ब्लैंक है। तो ये सब भी फैक्ट होता है सिलेक्शन में, इसका ध्यान आप रखेंगे। क्लियर है जी? एक हो गया हमारा सेल्स सिलेक्शन की बात, हम बात करते हैं शीट की सिलेक्शन की। अब मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, तो अब इसमें हमने मान लीजिए सारे शीट को सिलेक्ट करना है तो हम शीट के पहले पे क्लिक किया और शीट के साथ सबसे लास्ट पे क्लिक किया। जैसे लास्ट पे क्लिक करेंगे ऊपर देखेंगे ग्रुप आ जाएगा। अब इसमें अब जो भी इवेंट करेंगे वो हमारा सारी शीटों पे होगा। जैसे इस पे क्लिक किया तो आप देखिए शीट 2 पे भी आएगा, शीट 3 पे भी आएगा, 4 पे, 5, 6 पे आएगा। उसके बाद अगर इसमें अगर से मान लीजिए राइट क्लिक करते हैं
तो अगर आप डिलीट करते हैं तो सारी शीट डिलीट होगी। क्या सारी शीट डिलीट होगी सर? शिफ्ट से हमने बट ट्राइड, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। क्या से देखिए ये डिलीट होगी, डिलीट एस कीजिएगा, डिलीट नहीं हो रहा। अब डिलीट नहीं हो रहा इसका मतलब है कि सिलेक्टेड सेल डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि हमने सारे शीट को सिलेक्ट कर लिया है। क्योंकि आपके फाइल में कोई एक सीट होना चाहिए। ओके, अब मैं एक सीट सीट वन को छोड़ देता हूँ, सीट टू से सीट सिक्स को सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक, अब मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, हो गया। अब रीनेम की बात आती है, क्या सारे शीट को एक साथ रीनेम किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। कीजिए रीनेम, ये आप सारे शीट नहीं, जो एक्टिव सीट होगा वही आपका रीनेम होगा, सारे शीट रीनेम नहीं होगा, ठीक है। टैब कलर, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो सारे शीटों की बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकती है। मूवमेंट कॉपी करना सबकी हो सकती है, डिलीट करना हो सकता है, इंसर्ट। अब देखिए इंसर्ट में क्या हुआ, जनरली हम इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक किया तो यहाँ इंसर्ट किया, सिर्फ एक सीट वर्कशीट इंसर्ट हो रही है, राइट। लेकिन इसमें हमने देखा कि बहुत सारे सीट, जितना सीट सिलेक्ट होगा उतना ही सीट आपका इंसर्ट होगा, राइट। यही फीचर्स आपका जिसपे डेटा रिव्यू होता है कि मैंने एक सिलेक्ट को सिलेक्ट करके प्लस कंट्रोल प्लस किया या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट किया, एक ही होगा। अगर तीन चार कॉलम सिलेक्ट कर लिए, अब मैंने इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट किया तो ये हमारा इंसर्ट चार कॉलम इंसर्ट होगा। अभी जी देखिए इंसर्ट में हो जाता है, लेकिन आपने हमने क्या किया, हमने पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके फिर यहां से इंसर्ट किया। सॉरी सर, यहां पे अगर हमने एक सेल सिलेक्ट कर लिया फिर इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट होगा, लेकिन फिर आपसे पूछेगा कि आप इंसर्ट क्या करना है। मैंने सेल, यहां पे सेल्स हुआ तो सेल्स इंसर्ट होगा ब्लैंक, तो जो दो सेल्स है जो डेटा है वो कहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि हटाना पड़ेगा ना। शिफ्ट डाउन करेगा तो इसको नीचे कर देगा, शिफ्ट राइट करेंगे तो इसको राइट में कर देगा, या फिर आप पूरे की कॉलम या पूरा रो ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिला। ये सब सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। अब सिलेक्शन में कुछ हमें कुछ शॉर्टकट बता देता हूं, जैसे कि हमने कंट्रोल ए बोला तो एक डेटा सिलेक्ट करता है, डबल बार कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्शन कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन अप एरो, उसके बाद अगर मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस, अगर मान लीजिए तीन कॉलम सिलेक्ट है कंट्रोल स्पेस करेंगे तो तीन हो जाएगा, ऐसी रो अगर तीन चार रो सिलेक्ट है तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस आएगा। तो सॉरी कंट्रोल के साथ साथ करते हैं स्पेस की तो कॉलम सिलेक्ट होता है, और शिफ्ट के साथ करते हैं तो रो सिलेक्ट होता है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस किया तो एक कंट्रोल ए हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो एक तो आपको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, दूसरी चीज मान लीजिए आप याद भी करेंगे तो मैं सारे कीवर्ड ऐसे ही बताऊंगा आप ऐसे याद करते जाएंगे। एक लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल। तो हम इस प्रॉपर लिस्ट में आते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि अभी आप सीख रहे हैं, अब शॉर्टकट आप भूल सकते हैं तो बाकी चीजें भी तो भूल सकते हैं। अब मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया लेकिन आपको दिमाग से उतर गया, कभी कभी होता है ना,
चीजें याद रहती है लेकिन बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उसका कोई हिंट मिलता है हम समझ जाते हैं, हमें याद आ जाता है। तो उस केस में क्या करें, तो यहां पे जैसे कर्सर रखेंगे आपके यहां पे इसका स्क्रीन टिप्स दिख जाएगा। इसके बारे में और कुछ नॉलेज चाहिए तो टेल मी मोड दिख रहा होगा या फिर F1 प्लेस कर दीजिए, आपका एक्सेल हेल्प हो जाए। आप बोलेंगे सर हम लोगों को कुछ ढूंढना होता है तो हम एक्सेल हेल्प में तो नहीं जाते, हम तो गूगल पे जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गूगल पे जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। उसमें हम जैसे आप जैसे लोग ही डालते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जाकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है, तो आई डोंट नो इफ मेरा कनेक्शन है आपका कनेक्शन है, आई एम नॉट श्योर। कट रही है, मैं चुप हो जाता हूँ बीच में। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जगह पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लिमिट, लिमिट मतलब मैं एक्सेल के सारे लिमिटेशंस को जानना चाहता हूँ, तो मैं सर्च कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल लिमिटेशंस और लिमिट्स आ गया, सारे एक्सेल के लिमिट्स हैं, ओपन वर्कबुक, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम वर्कशीट्स, कॉलम विड्थ, रो हाइट, एवरीथिंग। अब इसको मैं नहीं बोलता कि आप इसको रट जाइए, लेकिन इसको एक बार कैजुअली रीड कर लीजिएगा जी। ताकि आगे चल के जब आपको कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप डिप्लॉय हो जाए। राइट। अब इसी में आप लिमिट सर्च किए हैं, इसी में आप शॉर्टकट भी सर्च कर सकते हैं। ओके। एक्सेल शॉर्टकट। अब यहां पे कीबोर्ड शॉर्टकट की यहां दिख रहा है जी। अब ये आपके यहाँ पे शॉर्टकट है, ठीक है सर। अब इसको कॉपी करके आपने वर्क स्टेशन पर डाल दी, क्यों? क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये हमेशा मेमोराइज रहेगा, तो इसको आप रख ले, क्योंकि आप इसको यूज जब करेंगे तो धीरे धीरे आपको ही समझना है जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है सर, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको नहीं समझना है। ठीक है जी सर, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए अच्छे से। ओके। अब जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे शॉर्टकट भी हैं, जैसे कि राइट क्लिक आप करते हैं तो राइट क्लिक करते समय दिख रहा है, माउस से क्या कीबोर्ड से भी राइट क्लिक कर सकते हैं तो यहां पे जैसे कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां पे, तो जैसे कि यहां पे हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा, कट के नीचे, कॉपी के नीचे, इंसर्ट के नीचे, क्विक एनालिसिस के नीचे, ये सारे शॉर्टकट है।
अब मुझे फॉर्मेट सेट पे क्लिक करना है तो एस के नीचे नल लगा होगा ना, तो मैं सर एस को प्रेस कर इंडिकेटर है सर। अब पॉपअप आ गया, अब पॉपअप हेल्प समझ जाइए, ये जो आपको टैब्स होते हैं इन टैब को मूव करने के लिए आप कंट्रोल टैब पे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टैब से आगे जाएगा ओनली टैब करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, कंट्रोल टैब करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। वापस पीछे की तरफ आना है आपको, वापस पीछे की तरफ आना है तो कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। सही, तो शॉर्टकट समझ में आ गया सर आपको? जी जी बिल्कुल। डेटा सिलेक्शन आ गया, डेटा को किस तरह सिलेक्ट करेंगे ये भी समझ में आ गया जी। अब एक चीज और इसमें आती है, जैसे आप मैंने मेरी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि आपको क्या आता और क्या नहीं आता है, राइट right. क्योंकि क्या है कि आप किस बेसिक चीज को बेसिकली छोड़ दे किसको करें समझ में नहीं आ रहा है सर, तो इसलिए हम आपको हम शुरू से लेके चल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, yeah, which is fine. That's fine. ठीक है। दूसरी चीज कि जब भी हम कोई किसी की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है जो कि हम हर किसी को बोलते हैं देखने की, क्योंकि मुझे इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें आपको पहले से आती है, right. ठीक है। ये 4 घंटे का वीडियो है, मैं ये नहीं बोलता कि इसको पूरा आप देख जाए, इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती हो, बहुत सारी चीजें आपको ना आती, right. ठीक है। ये वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है तो टाइम निकाल के इसको देख जरूर लीजिएगा जी। इसको हमने प्रिपरेशन रखा है, प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग के नाम दिया हुआ है, कि जब भी कोई क्लास स्टार्ट करे तो हम इसको देखने के लिए देते हैं ताकि वो सीखने के लिए प्रिपेयर हो, राइट, ठीक है। अब ऐसा इसलिए करते हैं दातू आपको कि मेरा जहां तक पढ़ाने का स्टाइल है, जब भी कोई नई टॉपिक, ये तो आपको मैंने दिया है कि पूरी कोर्स का समरी है, जो हमारे पास कोई नई टॉपिक आती है, मान लीजिए कुछ तो टॉपिक है कि जनरल टॉपिक आप समझ जाएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होती है, तो उस टॉपिक को डायरेक्ट आप सीखेंगे तो आपके समझ में कुछ कम आएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आगे भी करेंगे आपको, जैसे पिवट स्टार्ट किया हमने, जैसे हम वीलुकअप स्टार्ट करेंगे, जैसे हम डेटा कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जैसे हम डायनेमिक चार्ट स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस यूज करते हैं, पिक्चर लुकअप है, तो ऐसे टॉपिक के हम पहले वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि सर इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो क्या होगा, जो वीडियो आप देख लेंगे तो जब वापस क्लास में आएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, पहले चीज। दूसरी चीज, जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप ऑफिस में यूटिलाइज कीजिए, राइट, ये जरूरी चीज है। हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपको हमारे कोर्स करने के लिए सबसे जो चीज पहली होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रैक्टिस टाइम, और प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि मैंने आपको करके दिखा दिया आपने सारा करके देख लिया, नहीं, नकल नहीं करना है आपको, हमारी दी गई नॉलेज को अपने वर्क प्रोफाइल में या वर्क एनवायरनमेंट में उसको यूटिलाइज करना है ताकि आपका काम कम हो जाए, राइट, बिल्कुल, ठीक है।
तो ये भी आप कीजिएगा। दूसरी चीज, अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑफिस में, तो आप उसी से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। तो देखिए, जो टॉपिक में जब पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉपिक से बाहर के क्वेश्चन को आप क्लास स्टार्ट होने से पहले या क्लास एंड होने के बाद आप मुझसे पूछ लें। बीच में थोड़ा सा अवॉइड करें पूछने का, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा घबरा जाता है तो सीक्वेंस जो है फ्लो जो है टूट जाता है। सही, ठीक है जी, जी बिल्कुल। तो ईशान जी, मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, आप पहले उस वीडियो को देख ले। कल आपके साथ हम स्टार्ट अब करेंगे कोर्स को, जैसे आप बोल रहे थे टॉपिक क्या क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए, बेसिकली इसके लिए सिंपली हम मेनू बार से स्टार्ट करते हैं, हम फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, टैब से स्टार्ट करते हैं, इससे चलते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको आज पेस्ट स्पेशल पढ़ाया, इसका मतलब है कल मैं ये सारे चीजें पढ़ाऊंगा। सही, और आपका कहाँ पे कोर्स से कहाँ तक पहुंचा है अब इजिली होगा। मान लीजिए मैं फॉर्मूला में हूँ, फॉर्मूला में लुक के प्रेफरेंस पे हूँ, इसका मतलब है कि इससे आगे डेटा रिव्यू व्यू डेवलपर आपका बचा, ठीक है। सही, क्योंकि ये सबसे अच्छा सिस्टम को फॉलो करने, क्योंकि मैंने जब आपको पीडीएफ दिया तो पता नहीं कब तक रहेंगे। राइट, ठीक है जी, अच्छी बात है, इसलिए मैं इस सिस्टम को फॉलो करता हूँ। नहीं, दैट्स एक्चुअली हाँ प्रैक्टिकल भी है ये, कि जो भी सॉफ्टवेयर में है उसी को फॉलो करें, सो एटलीस्ट लेटेस्ट भी देख रहे हैं। कल से आपकी फाइल मेनू बार स्टार्ट करेंगे। फाइल मेनू बार खास नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद फिर हम होम पे, इंसर्ट पे इसी तरह से आगे करते हैं। राइट, परफेक्ट है, ठीक है। और मैंने वीडियो भेज दी है, उसको एक बार देख लीजिए, और मैं कल हम इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे। और अब आपको लिंक